नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रीसेंट ट्रेंडिंग वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। आज आपको एक नया नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जारी किया है। चलिए देखते हैं। देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जारी किया है कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2019। ठीक है, डेटा ऑफ इसका सबमिशन स्टार्ट हो रहा है 22/10 से 25/11/2019 से चलेगा। लास्ट डेट इसका 5:30 बजे तक है। एग्जाम टायर 1 एग्जाम इसका होगा, चॉइस बेस्ड कंप्यूटर टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है जो 2 मार्च 2020 से चलकर 11 मार्च 2020 तक होगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे पोस्ट का डिटेल दिया हुआ है, जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इंटेलिजेंस ब्यूरो का अलग है, सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस का अलग है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का है, मिनिस्ट्री ऑफ सर्विस अफेयर्स का है, आर्म फोर्स हेडक्वार्टर है, असिस्टेंट में भी अदर फोर्स ऑर्गेनाइजेशन का है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अदर ऑर्गेनाइजेशन, इनकम टैक्स का, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ टैक्सेस का है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंटेलिजेंस कमीशन का है, रेवेन्यू प्रिवेंशन ऑफिसर का है, एग्जामिनर का पोस्ट है, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट सब ग्रुप बी पोस्ट का है, सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स लेवल ग्रेड है, असिस्टेंट है, असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट है, डिविजनल अकाउंटेंट है, सब इंस्पेक्टर है, NIA का, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर है, स्टैटिक्स एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 है, रजिस्ट्रार ऑफ जनरल एंड ऑफ इंडिया, ऑडिटर पोस्ट है, कैग का, कंट्रोलर एंड अकाउंट जनरल ऑफ इंडिया का, ऑडिटर का डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट है, जूनियर अकाउंटेंट का है, उसके बाद से सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, अपर डिवीजन क्लर्क है, कैबिनेट सेक्रेटरी के लिए, टैक्स असिस्टेंट है, सब इंस्पेक्टर एंड नारकोटिक्स साइंस, अपर डिवीजन क्लर्क का पोस्ट होता है जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का लिए है, इसके लिए आपको फिजिकली फिट होना के लिए अक्सर दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, सब इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, मैं इसका एडवर्टाइजमेंट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, अप्लाई करने का प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे लास्ट पेज में है, आपको दिखा रहे हैं। उसके पहले देखिए, इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, 1/1/2020 तक आपको असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री चाहिए, डिराइजर क्वालिफिकेशन में चार्टर अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट होने या मास्टर बिजनेस ऑफिसर होने से ज़्यादा उसका वांछनीय है, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट और मैथ में 60% लाना पड़ता है, या फिर बैचलर डिग्री स्टैटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल में, तो भी अप्लाई कर सकता है। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन ग्रेड 2 के लिए बैचलर डिग्री स्टैटिक्स 1 सब्जेक्ट रहना चाहिए, मस्ट बी स्टडीज स्टैटिक्स के बारे में 3 साल का ग्रेजुएशन पढ़ा होना चाहिए, और सभी पोस्टों के लिए बैचलर पास होने से ही मतलब है, और फाइनल ईयर ग्रेजुएशन जो अपेयर कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका क्वालिफिकेशन जो है 1/1/2020 तक हो जाना चाहिए, यानी कि अभी जो विद इन जून तक है उस तो हो जाएगा, उसके बाद तो हो नहीं पाएगा, उसका ईयर निकल जाता है कलकत्ता यूनिवर्सिटी का। अप्लीकेशन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, 100 रुपये जमा करना होगा, जो आप जमा कर सकते हैं भीम UPI, नेट बैंकिंग, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपये कार्ड, डेबिट कार्ड या SBI का चालान जनरेट करके भी आप पैसा जमा कर सकते हैं। पैसा जमा देने का आज 27 नवंबर 2011 दिया हुआ है। सेंटर पर एग्जामिनेशन आपका जिस जो जो सेंटर मान लीजिए आप सेंट्रल रीजन का अप्लाई करते हैं, ठीक है, बिहार उत्तर प्रदेश के थे, आपको इन सब जगह दिया हुआ, जैसे आगरा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागगढ़, वाराणसी, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, ये सब जगह एग्जाम सेंटर मिलेगा। आप जैसे ईस्टर्न रीजन का अप्लाई करते हैं तो आपको बोर्ड मिलेगा रांची, बालासोर, ब्रह्मपुर, भुवनेश्वर, कटक, दक्कन, काली केनाल, राउरकेला, संबलपुर, कंकोट, हुगली, कोलकाता, सिलीगुड़ी, सब जगह पर एग्जाम देने का आपको मौका मिलेगा। एग्जाम सेंटर है, ये सब अलग अलग रीजन वाइज अलग अलग है। एग्जाम का आपका होगा टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 होगा, ठीक है, जिसमें यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन मैं आपको दे देता हूँ। टायर 1 में का
एक्टिव मार्क 0.50 दिया हुआ है, टायर टू के लिए 0.25 दिया हुआ है। यहाँ पर बोरा टायर टू पेपर वन पेपर टू, टायर टू में जो पेपर वन फर्क हुआ है, टायर वन तो सबके लिए हुआ है, टायर टू में आपको पेपर वन क्वान्टिटी एबिलिटी एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन, ये पेपर टू दोनों सभी पोस्ट के लिए है। लेकिन जो पेपर थ्री स्टैटिक्स का अब पेपर फोर जनरल स्टडीज का यहाँ पर दिया हुआ, देखिए पेपर थ्री टायर टू के लिए जॉब कैंडिडेट अप्लाई करेंगे जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए उनको है, और पेपर फोर जो अप्लाई करेंगे असिस्ट ऑडिटर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए। फिर टायर थ्री आएगा, टायर थ्री में जो पास करेंगे उन अभ्यर्थी को फिर टायर थ्री देना होगा। इसके बाद फिर टायर फोर होगा, कंप्यूटर स्किल बेस्ड है, डाटा एंट्री टेस्ट लिया जा सकता है। सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, इनका नोटिफिकेशन का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। सिलेबस तो अच्छा ही है। अप्लाई करने का देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टायर वन के लिए कहा है 30%, ओबीसी 25%, अदर्स के लिए 20%। ये सिर्फ पैसे दिखाने के लिए है, इससे आप लोग ये ना विश्वास करें कि क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 30% में ही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये आपका एनेक्सर वन है जो फिजिकल लिमिटेशन के कारण अभ्यर्थी हैं वो अपना मेडिकल सुप्रिंटेंट से जमा करा सकते हैं। विजुअली हैंडीकैप लोग के लिए है, लोकोमोटिव हैंडीकैप लोग के लिए है, जो सब्सक्राइब है उसके लिए एक्स जमा देने का है। अप्लाई करने के लिए पहले आपको पार्ट वन ऑनलाइन ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको पहले मोबाइल नंबर में ओटीपी जाएगा, ईमेल आईडी ओटीपी जाएगा, दोनों आप ठीक ठीक दीजिएगा। फिर आधार नंबर है तो ठीक है, नहीं भी है तो उसके मंडेटरी नहीं है। उसके अलावा आपको कोई अदर डॉक्यूमेंट देने से भी चलेगा। उसके बाद रोल नंबर और ईयर पासिंग टेंथ का जरूरत है। उसके बाद आपको कलर पासपोर्ट साइज फोटो 20 से 50 के जी होना चाहिए, डायमेंशन दिया हुआ है आप देख लीजिएगा, अलग दूर फोटो न दे न तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। सिग्नेचर के लिए 10 से 20 के भी चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो अगर है तो उसको भी आप लोग स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। ssccgllatest.nic.in पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तभी आपको अप्लाई कर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आप एसएससी चाहिएगा, वहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कर मैं अभी आपको लॉगिन करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करके आप हम लोग दिखते हैं। पहले पढ़ लेता हूँ, उसके बाद पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगा। फिर आपको अलग अलग प्रोसेस दिया हुआ है, उसको फॉलो कर लीजिएगा। सिंपल बहुत इजी है, कोई भी कर सकता है, खुद से आप ना सके तो किसी साइबर कैब की मदद लेकर आप वहाँ से अप्लाई करा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं आपको कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन लेके चलते हैं आपको। सिंपली गूगल में टाइप कीजिएगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, SSC लिखिएगा, आ जाएगा। देखिए पहला साइट ही खुल गया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, सिंपली इसको क्लिक कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्टर नाउ